चिट्टी कबूतर की माँ बबली कबूतरी पर बैंक का बहुत सारा कर्जा हो जाता है, जिसको चुकाने के लिए वो अपने बेटे बंटी कबूतर की शादी एक काली और अमीर चिड़िया के साथ कर देती है। एक दिन वो टूनी चिड़िया से कहती है, ओ काली कलूटी बहू कहाँ मर गई है, आवाज सुनाई दे रही या नहीं, जरा इधर आ। टूनी चिड़िया जल्दी से वहाँ आती है। क्या हुआ माँ जी, आप इतना चिल्ला क्यों रही है, बताइए क्या काम है माँ जी। जा मेरे लिए अदरक वाली चाय बना कर ला और दूध जरा अच्छे से डालना, अपने जैसी काली शकल वाली चाय मत बना कर ला जिसे देखकर मुझे उल्टी हो जाए। अब जा खड़ी होकर मेरी शकल क्या देख रही है। टूनी चिड़िया अपने सास की बात सुनकर किचन में चाय बनाने चली जाती है। थोड़ी ही देर में वो चाय बना कर लाती है। माँ जी ये लीजिए आपकी अदरक वाली चाय और जरा पी के बताइए कैसे बनी है। बबली कबूतरी चाय पीकर खुश होकर कहती है, बहू चाय तूने बहुत अच्छी बनाई है, तेरा रंग रूप चाहे जैसा हो लेकिन चाय तो बहुत अच्छी बनाती है, ये हुनर तेरे अंदर बहुत अच्छा है। ऐसे ही काफी दिन गुजर जाते हैं। अचानक एक दिन बबली कबूतरी के पड़ोसन सुंदरी कौवी उसके घर आती है और उससे कहती है, अरे बबली कबूतरी तेरे बेटे की शादी एक महीना गुजर चुकी है, अभी तूने अपनी बहू की मुँह दिखाई नहीं, बहू की मुँह दिखाई करने का इरादा है या नहीं, जब अपनी बहू को बुला कर ला, मैं यही बैठी इंतजार कर रही हूँ, देखू तो जरा हमारी बंटी की पत्नी कैसी है। क्या बताओ सुंदरी कौवी, हमारी बहू अभी बाजार गई है, आने में 2-3 घंटे लग जाएंगे, तुम कभी फिर मिल लेना। तो ठीक है मैं यहीं पर बैठती हूँ, कौन सा मेरे घर पर काम पड़ा है, आज तो मैं बहू से मिल कर ही जाऊंगी। अच्छा तो बैठो सुंदरी कौवी, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। बबली कबूतरी पानी लेने के बहाने से अपने बहू टूनी चिड़िया के कमरे में जाती है। टूनी चिड़िया नीचे मेरी पड़ोसन सुंदरी कौवी आई है तेरी मुँह दिखाई करने के लिए, और मैं नहीं चाहती कि तेरे मुँह दिखाई करके पूरे जंगल में मेरी बदनामी करे। जी अगर वो मेरी मुँह दिखाई कर देंगे तो आपकी बदनामी कैसे होगी। चुप कल मुही, तूने अपना चेहरा कभी आईने में देखा है या नहीं, ऐसा लगता है कि तेरा चेहरा काला भजुआ कोयला है, खबरदार जब तक मैं न कहूँ तब तक तू अपने कमरे से बाहर मत निकलना। बबली कबूतरी पानी ला कर सुंदरी कौवी को देती है। ये लो सुंदरी कौवी पानी पी लो, मैंने कहा न तुम कब तक मेरी बहू की इंतजार करोगी, काफी टाइम लगेगा उससे। अच्छा बबली कबूतरी मैं चल। इसी तरह 2 हफ्ते गुजर जाते हैं। अचानक एक दिन सुंदरी कौवी अपने साथ जंगल की कुछ पक्षियों को लेकर बबली कबूतरी के घोंसले पहुंच जाती है और उसका वो दरवाजा बजाती है। उस समय बंटी और बबली लंच कर रहे थे। अरे टूनी चिड़िया जरा दरवाजा खोलकर देख तो लो कौन आया है। टूनी चिड़िया दरवाजा खोलती है, लगता है बबली ने नई नौकरानी रख ली है। टूनी बहू कौन आया है। अरे लगता है बबली कबूतरी की बहू है, तभी उसने बहू कहकर पुकारा है। अरे बबली कबूतरी तो इसीलिए मुँह दिखाई नहीं कर रही थी क्योंकि तेरी बहू काली कलूटी है। क्या हुआ अगर मेरी बहू काली कलूटी है, ये तेरी चिड़िया बहू से अच्छी है ना, तो इतना अच्छा बनाती है कि बड़े बड़े होटल में ऐसा खाना न मिले। तेरी बहू गोरी होने के बाद भी तेरी इज्जत नहीं करती, तेरी मुँह दिखाई हो गई हो तो यहाँ से जल्दी निकलो। बबली कबूतरी तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो, हमें भी जरा अपनी बहू की हाथ की चाय पिलाओ जरा। ये लीजिए आंटी जी मेरे हाथ की बनी चाय, मैंने आपके कहने से पहले ही बना ली थी। टूनी चिड़िया तुमने सच में बहुत अच्छी चाय बनाई है, ये लो तुम्हारा ने, रंग रूप से फर्क नहीं पड़ता, पक्षी के दिल से फर्क पड़ता है और तुम्हारा दिल बहुत अच्छा। मुँह दिखाई करके सारी चिड़िया वहाँ से चली जाती।